जमीन नापी के लिए ग्राम प्रधान को फंसाने की कोशिश, शराब पीकर कई बार कर चुका है ऐसी हरकत। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र के नेपुर गांव निवासी राम स्नेही पुत्र स्वर्गीय राम सुजीत अपने ही ग्राम प्रधान कमलेश यादव पर निराधार आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया था। जब इस वीडियो की जांच पड़ताल की गई तो सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली यह बात सामने आई कि रविवार को गांव के पंचों द्वारा जब उसकी जमीन को एक बार फिर नापी कराई गई तो राम स्नेही ने खुद बताया, अब हमें ग्राम प्रधान से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब इंसान का काम अटकता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में पुलिस को गुमराह करना, ग्राम प्रधान को फंसाने की कोशिश करना, यह सवाल खड़ा करता है कि इसमें सबसे बड़ा दोषी राम स्नेही खुद है। इस पर पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो। राम स्नेही कई बार अपनी जमीन की नापी के लिए अपने पाटीदार और अन्य लोगों पर निराधार आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश कर चुका है। राम स्नेही की पत्नी ने बताया कि मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अक्सर वो शराब पीकर ऐसी हरकत करता रहता है। नेपुर ग्रामीणों ने बताया कि राम स्नेही द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। ग्राम प्रधान उस समय नहीं थे, इसमें उनकी भूमिका नहीं है। इससे गांव के सभी लोग परेशान हो चुके हैं। ग्राम प्रधान कमलेश यादव ने बताया कि जब ये घटना हुई तो वे उस समय बरहज ब्लॉक के कई लोगों के साथ थे। ये जो आरोप उन पर लगे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। आप गांव की समस्त जनता से पूछ सकते हैं, इसकी जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? साधना। कहाँ कराने वाली है? नागपुर का। ये जो अभी आपके पति जी का आरोप चल रहा है, लगा रहे हैं प्रधान जी पे, क्या ये मामला सही है? वीडियो वायरल हो रहा है काफी तरीके से कि कपार मेरे प्रधान जी मार के फोड़े हैं। देखिए कुल हम ना जानते नहीं कैसे कपार फोड़ा ना कि अपने फोड़ा ना कि के फोड़ा ताटे, ये हम ना बता सकते। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या प्रधान जी उसमें मार के फोड़े हैं? नहीं, हम प्रधानों जी के नहीं कहो, जब हम देख ले नहीं कि हम के कहे जाए। जब वो रात रात का आवत ना, उनका पते नहीं रहता, वो कब आवत ना कब नहीं आवत ना। तो फिर भी आपका शक क्या है? शक हमार अब हम का बताए, शक जब शुरू से दारू पिए था ना, कपार फूट जाला, दिमाग को पागल हो गए बाना, एकदम उनका दिमाग हल्का हो गए बाना। इसके पहले कब फोड़े बा? हाँ, इसके पहले कब फोड़े थे वो? फोड़े थे 5-6 महीना के बाद, जब दारू पिए ना तब यही होला। मेरा जंगल रह पूरा लोटरिया मारे बाबू लोग भोरे भैया के लड़का निम्न चिड़ैनी करे बाबू पकड़िए अपन दो पुओ के मार में नहीं आवे। हाँ, तब पकड़ रहो थाना फोन भाई पुलिस भैया आए लोग देख के चल गए लोग कहो कि को मरना मत ये करे के। लेकिन वो तो प्रधान जी पर आरोप लगाओ तो ना कि मरले बाना प्रधान जी, वीडियो भी वायरल होता है। हम कहे हम कहीं प्रधान मरले बाना, ये हरदम ऐसा जब करता दो साल पर तीन साल पर 6 महीना पर 6 महीना ठीक रह 6 महीना देखा सुनाव ठीक रहन बाबू। आ 6 महीना बाद फिर उपद्रो कैले बा, रात रात बर्बाद तबियत भाग के कहीं कहाँ गए काय के ओके दबाव में तू बोला था लोग के दबाव दे ले बा तो के नहीं लोग दबाव के दे ले बा के रब के दबाव प्रधान तो के दबाव दे ले बा ना नहीं 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 हम के दबाव नहीं बेटा नहीं हम के दबाव नहीं के दे ले ये हमेशा ऐसे करे न। हाँ, ये जान थे बियाह होकर बड़ बियाह है के दो तीन साल के बाद करे भाई को पहले जब दारू पी तभी करी। हाँ, खाली जब खून में गिर जाए तब पी पाए तो खून अपने के मानत कोई भी खून गिर गए दो दिन खून था फोर भाई। का नाम है तुआ? हमारा तारा देवी नाम हो। कहाँ का रहे वाला हो? कहाँ घर हो? कहाँ घर हो? घर भाई यही हो नयपुरे हो। ये आपका नाम क्या है? मनोज कुमार विश्वकर्मा। कहाँ का रहने वाले हैं? नयपुर, नयपुर विजयपुरा। ये जो प्रधान जी के खिलाफ आपका भाई जो आरोप लगा रहे हैं, काफी वीडियो वायरल हो रहा है, क्या इसमें सही है क्या गलत है आप बताइए? बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? गलत ये है कि वो जब दारू पी लेता है तब अपना अपने आप वो सर फोड़ लेता है और फोड़ता है, और आज का नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। क्या आप किसी के दबाव में बोल रहे हैं? जी नहीं। और वो कह रहे हैं कि प्रधान जी 2-4 लोग के साथ में मिलकर मारे हैं हमें, क्या ये घटना वो कैसे कपार फोड़े हैं, आपको कुछ पता है? नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत। वो जैसे दारू पी लेता है तो पागल हो जाता है। ऐसा पहले भी करते थे? कई बार किया है, एक बार नहीं कई बार किया है। उसके लिए हम लोग कई जगह सोखा वजह सब जैसे दिखाते हैं, उनकाते हैं या दवा कराते हैं तो 2-3 महीने के लिए आराम रहता है, और फिर जब दारू पिएगा तब ये सब करेगा। क्या किसी के चढ़ाने बढ़ाने पर भी करते हैं क्या वो? अब मालिक जाने, चढ़ाने पर तो करता ही होगा।
और एक चीज और सर, रात में जो है कि आज रात की बात है, आज बीते रात में हमको करीब 10:30 या 11 बजे के आसपास में थाने से फोन आया कि आकर के अपने भाई को लेकर जाओ। हम लोग लेकर के आए, फिर नयपुर में अपना मुड़ गया और इनके अनिरुद्ध बाबा के यहाँ कमला बाबा के घर में जाकर के उनको सारा में जाकर गेट खटखटाने लगा। उसके बाद से वहाँ से फिर वो मतलब उनके घर के लोग निकले और फिर थोड़ा सा अब उसको देखने के बाद ये लोग कहे कि भाई ये सब मारने वाले हैं। उसके बाद से वो हमको थोड़ा डांट उठ दिए। उसके बाद हम लोग शांत रहे, फिर कहा कि समझा बुझा कर लेकर घर जाओ। घर लेने के लिए तो हमारी गाड़ी जो है थोड़ा खराब है, चालू जल्दी नहीं हो पाती थी। और उसी बीच में वो आते वक्त फोन करके शायद विशाल चौबे को फोन किया, ठीक है। उसके बाद से वो आए, विशाल चौबे भी वहाँ पे आ गए मौजूद हालत में। उसके बाद से वो क्या किया, हम लोग को समझा बुझा करके घर पे लेकर जाओ। और घर पे लेकर जब जाने को हुआ तो अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी में तुरंत चालू हो गई और तुरंत वो पूरा उत्तर की दिशा में वो निकल लिया रोड। किसके साथ? वो अकेले ही रोड से निकला और हम लोग गाड़ी हमारी चालू नहीं हो पाई, करीब 5-10 मिनट तक लेट हो गई। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया, पता नहीं कहाँ किसके घर में घुस गया कि क्या हुआ। आप क्या लगते हैं उनका? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आपका नाम क्या है? रामप्रीत। कहाँ के रहने वाले हैं? नयपुर। ये जो प्रधान जी के खिलाफ वीडियो एक वायरल हो रहा है जो लगा रहे हैं आपके, वो क्या लगते हैं? वो तुम्हारा चचेरा भाई लगता है। तो वो आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी पे कि हमें प्रधान जी मारे हैं 2-4 लोग के साथ में, उनका काफी वीडियो भी वायरल हो रहा है और खबर भी चल रही है। टोटल झूठ है। उनके घर परिवार वालों ने भी पूछ लिए आप, और अभी मैं सारे परिवार है सब लोग से पूछ लीजिए, जब दारू पी लेता है तो उसको क्या होता है, बीमारी होती है कि भूत प्रेत चढ़ता है, क्या क्या होता है, तभी कहता है सब तभी जब सब बात करता है। उसके पहले भी बहुत बार कर चुका है। कब किया था? अरे 5-6 महीने पहले भी किया था। ऐसा कपार फोड़ लेगा, अपने अपने हाथ से फोड़ लेगा, दूसरे कलंक लद देगा। गांव का प्रधान है, गांव के प्रधान को कलंकित करना ठीक क्या उनका होता? यही काम है क्या हमेशा का? नहीं, हमेशा काम नहीं है। 5-6 महीना ठीक रहता है, 5-6 महीना में पता नहीं उसको भूख चढ़ता है, दारू पीता है, तभी ये सब सारी बातें करता है। 3-4 महीना के बाद। तो इसका शिकायत आप लोग थाने उन्हें बनाई करते हैं? अरे भाई, हम लोग शिकायत कर चुके हैं कई बार है, पूरा गांव खटिया में भी बांध देता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर 2-4 महीना दारू नहीं पीता है तो फिर ठीक रहता है, अपने बाल बच्चों को कमाता है, खिलाता है, अच्छा रहता है। हम लोग समझते हैं कि ठीक हो गया, फिर 4-5 महीना के बाद फिर वो दारू पी लेता है और भूत चढ़ जाता है। अड़ोसी पड़ोसी सब लोग परेशान है। अच्छा, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि उसको हत्या करें, मार करें, अकेला कमाने खाने वाला है, उसका बाल बच्चे हैं, रहम आती है, लेकिन फिर पता नहीं उसके ऊपर कौन सा भूत चढ़ता है 5-6 महीना के बाद। और जो इल्जाम लगाया है अपने चाचा के ऊपर लगाया है या ग्राम प्रधान के ऊपर लगाया है, लोग टोटली गलत लगाया है, सरासर गलत है। किसी भी गाँव के बच्चा बच्चा से पूछा जाए, औरत से पूछा जाए, टोटल गलत है। गांव सहमति है, जहां भी कोई ले जाना चाहेगा, जहां पूरी गांव जाने के लिए उसके माँ भी जाने वाला तैयार है, भाई भी, जो सच है वो उसकी माँ हो, भाई हो, भाभी हो, भाई है, बीबी है, सब सच कहने के लिए तैयार है कि वो टोटल गलत है, जो भी किया है वो टोटल गलत किया है। हाँ जी, आप इस गांव के ग्राम प्रधान है और आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है मारपीट का, क्या ऐसा ही है? ये सारा सर आरोप गलत आरोप है। तो गांव के आदमी से भी पूछ लीजिए, उसके परिवार के आदमी से भी पूछ लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति हमारे खिलाफ खड़ा होके कह दे कि वो मारे हैं, चाहे जहां मार खाया वहां कोई व्यक्ति देखा है कि नहीं देखा है, उसका 2-3 बार ऐसे कर चुका है, अपने स्वयं अपने हाथ से कपार सर फोड़ के जो भी उसको मन में आता है उसको इल्ज़ाम लगाता है, ऐसे 2-3 बार ऐसे घटना कर चुका है। अगर जो सत्य हो तो इसकी जांच किया जाए, और जांच करके अगर जो हम गलत हों तो हमें भी सज़ा दिया जाए, अगर जो गलत है उसके परिवार वाले से या गांव वाले से पूछ के उसको सजा दीजिए, जो भी हो उसमें इन्वॉल्व हो, वो खिला पिला देते हैं तो कुछ भी करवा देते हैं उससे, वो कुछ भी कर सकता है। प्रधान जी, जिस समय उसको चोट लगी थी उस समय आप कहाँ थे? उस समय मैं ब्रज ब्लॉक में था। संजय पहलवान जो है भिकमपुरा का प्रधान, वो हमारे साथ थे। ये बिमलेश कुमार ताऊ जो है नयपुर के, वो भी हमारे साथ थे, और 2-3 और प्रधान भी थे, और ब्लॉक प्रमुख के जो एक कार्यकर्ता है नसीम, वो भी हमारे साथ। आपको कैसे सूचना मिली कि हमारे व्हाट्सएप पे भी ये वीडियो आया, हमने देखा और देख के स्वयं घर पे आया, घर पे पिताजी को दिखाया और भी जो हमारे साथी संगाती उन लोग दिखाया, यार ऐसे ऐसे कैसे कर दिया है। थाने से फ़ोन आया 11 बजे रात को, उसके भाई के साथ जाके उसको ले आए, उसको मलहम पट्टी भी कराने का कोशिश किए तो वहाँ पर सिपाही वगैरह करा दिए थे, तो फिर उसको लाया गया तो नयपुर भाग के गया।
कमला चुबे घर, वहाँ विशाल चुबे आए और वहाँ से पता नहीं कहानी पत्ता हो गया, वो पता नहीं चला इसका, वो आ रहा है, उसका भी आप बयान ले लीजिए। यूएफटी लाइव के लिए अनुराग रंजन की रिपोर्ट।